अगर आप भी मैसूर पाक बनाने से घबराते हैं, डरते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। एकदम परफेक्ट, जालीदार, सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया सा कलर वाला आज हम बनाएंगे मैसूर पाक, वो भी घर पर। एक एक ट्रिक और बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, जिनका ध्यान रखकर आप बहुत ही आसानी से घर पर ढेर सारा मैसूर पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैसूर पाक में जाली भी बहुत अच्छी बनी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ऐसा ही परफेक्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है और ये थोड़ी सी गहरी ट्रे है, मतलब कि इसकी जो गहराई है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। ये जो प्रिपरेशन है ये आपको पहले ही करके रख लेनी है, क्योंकि बीच में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और जैसे ही मैसूर पाक रेडी हो जाता है तो डायरेक्ट उसे इस ट्रे में आप डाल सकें, इसलिए इसे आप पहले से ही रेडी करके रख दीजिए। तो मैंने इस ट्रे में थोड़ा सा घी लगा दिया और अब मैं इसमें बटर पेपर ऐड कर रही हूँ। बटर पेपर से मैसूर पाक को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और बिल्कुल भी वो टूटता या बिखरता नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इस ट्रे को रेडी कर दिया है। तो चलिए अब मैसूर पाक तैयार करते हैं। इसके लिए देखिए, मैं एक मेज़रिंग कप ले रही हूँ। यहाँ पर मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी चीज़ अपने मन से कम ज़्यादा करके नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने एक मेज़रिंग कप ले लिया, साथ में एक कटोरी ली है और एक घर की कटोरी है स्टील की। आपको जिस चीज़ से, जिस बर्तन से भी मेज़रिंग करनी है आप कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको उसी बर्तन से सारी चीज़ें लेनी है, मतलब जिस बाउल से आप बेसन लेंगे उसी बाउल से शक्कर लेनी है, उसी बाउल से घी लेना है। तो देखिए, मैं मैसूर पाक थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है ना, तो मैं 2 कप भरकर बेसन लूँगी। आप देख लीजिए, बेसन को अच्छे से लेवल करके लेना है। बिल्कुल भी दबा दबा कर मैंने कप नहीं भरा है। देखिए, इस तरह से लेवल कर लेंगे और फिर इसे एक बड़े से बाउल में डाल देंगे। तो इस तरह से मैं 2 कप बेसन से ये मैसूर पाक बना रही हूँ। आप 1 कप से भी बना सकते हैं। जो भी मेज़रमेंट मैं आपको यहाँ बताऊँगी उसका आधा आधा कर दीजिए, तो आप 1 कप से मैसूर पाक बना पाएंगे। और मैंने इससे पहले भी मैसूर पाक की रेसिपी शेयर की है आपके साथ, उसमें 1 कप से बनाया था, अभी मैं 2 कप से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने जो है 2 कप बेसन लिया है, तो मैं 2 कप इसके लिए घी लूँगी। अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आपको 1 कप घी लगेगा। तो उसमें से आप आधा घी एक बर्तन में डाल दीजिएगा और आधे घी से बेसन का घोल बनाइएगा। तो मैं यहाँ पर 2 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने 1 कप घी उस बर्तन में डाल दिया ताकि उसे मैं आगे गर्म करके इस्तेमाल कर सकूँ। और 1 कप घी जो है, इससे हम ये बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो बिल्कुल भी इसमें गुठले नहीं रहना चाहिए, आप चाहें तो बेसन को अच्छे से छान भी सकते हैं। मैसूर पाक बनाने के लिए एक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बेसन आप ले रहे हैं वो अच्छा बारीक होना चाहिए। मोटे बेसन में बहुत ज़्यादा घी लगता है और मैसूर पाक में अच्छी जाली नहीं बन पाती है। तो बारीक बेसन से आप मैसूर पाक बनाएंगे बहुत ही बढ़िया, उसमें जाली भी बनेगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और घी बहुत ज़्यादा नहीं आपको इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो ये देखिए, मैंने लम्स फ्री ये घोल बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं और तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए देखिए, ये वाला जो कप है ये घी का हो गया, तो अब मैं इसमें शक्कर नहीं ले सकती। मेरी ये जो कांच की बाउल है और ये जो कप है, दोनों सेम मेज़रमेंट के हैं, तो मैं सेम साइज़ के होने की वजह से इस कटोरी से अब शक्कर ले लूँगी। तो यहाँ पर जो है, मैंने 2 कप बेसन लिया है, तो 2 कप ही मैं इसके लिए शक्कर लूँगी। तो देखिए, शक्कर भी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरनी है, लेवल करके शक्कर लीजिए। और आप चाहें तो शक्कर थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब 2 कप की जगह 2.5 कप ले लीजिए। अगर 1 कप बेसन से बना रहे हैं तो 1.5 कप ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कप मैंने बेसन लिया, 2 कप ही मैंने चीनी ले ली है और 2 कप चीनी की चाशनी बनाने के लिए 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो 1/2 कप पानी डालिएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। तो अब चीनी को लो फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट करना है और जब इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगी तो बस 2 मिनट के लिए इसको और पकाना है।
ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर आप कुक कीजिएगा। और जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ी सी गैस की फ्लेम बढ़ा दीजिए। इसमें ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो एक मिनट तक इसमें हमें ऐसे ही बबलिंग करनी है, मतलब कि इसको कुक होने देना है अच्छे से, और फिर इसे हम चेक करेंगे। तो ध्यान रखना है कि चाशनी आपकी एक तार की होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, चाशनी तैयार हो चुकी है, और जैसे मैं इसमें तार खींच रही हूँ तो देखिए एक तार निकल कर आ रहा है चाशनी का, मतलब अब ये तैयार है। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी, मतलब इंडक्शन को बंद कर दिया, और अब जो है हमें जो बेसन का घोल बनाया था वो इसमें डाल देंगे। पूरा का पूरा घोल डाल देना है इसमें। और अब मैंने यहाँ पर इंडक्शन ऑन कर दिया और बेसन चाशनी को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया है बेसन का। और अब इसे लगातार हमें चलाते रहना है, गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रखनी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, आप इसमें केवड़ा एसेंस और इलायची का एसेंस जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, इलायची का ज़्यादा अच्छा लगता है। अब लो फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से कुक करना है। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, उबाल आने तक ही आपको वेट करना है। इसके बाद हम इसमें गर्मा गर्म घी डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब अब हम मैसूर पाक बनाने की जो रियल प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो घी है मैंने अच्छा तेज गरम कर लिया था, मतलब घी में धुआं निकलने लगा था, इतना मैंने गरम कर लिया इसको। और गर्मा गर्म घी हम इस बेसन में डालेंगे। आपको घी पूरा इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। जब एक बार आप घी डालें और वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए, तब तक आपको इसे चलाते रहना है, और जैसे ही घी गायब हो जाएगा फिर अगली बार घी डालेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल घी गायब हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे घी डालना है। तो अभी फटाफट इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ पर इंडक्शन थोड़ा सा आप हाई कर दीजिए, मतलब पूरी तरह से गैस फ्लेम ज़्यादा नहीं करेंगे, मीडियम कर दीजिए इस स्टेज पर, और जब हाई करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी देखिए इसमें जो घी है गायब हो गया था, तो मैंने फिर से थोड़ा गर्म घी डाल दिया। अब इसे वापस से अच्छे से मिक्स करना है, और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी आपको इसे बीच में छोड़ना नहीं है। पूरे 30 मिनट लगते हैं इसको बनने में। अगर आप एक कप बेसन से बना रहे हैं तो पूरे 20 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट। और मैंने जो है दो कप बेसन से बनाया तो मुझे इसमें पूरा आधा घंटा लगा था, आधा घंटा या शायद 40 मिनट लगे थे, कुछ ऐसा ही टाइम था, मैंने टाइम भी ध्यान दिया था। तो देखिए अभी घी डालते डालते इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाढ़ी होने लगी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन का जो है कलर चेंज हो गया है। अभी हमें अपने मैसूर पाक में अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल दिया क्योंकि मेरे पास वही था, और बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं। तो अब क्या करना है, इस तरह से आपको कढ़ाई को थोड़ा सा घुमाना है, इसमें नीचे जाली बनने लगी है या नहीं ये देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जाली बनना शुरू हो चुकी है, बस अब थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें परफेक्ट जाली लाने के लिए। तो अब इसे अच्छे से चलाते रहिए, और इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। ध्यान रखिएगा पहले आपको लो फ्लेम पर कुक करना है, फिर जैसे ही घी डालने लगे गैस की फ्लेम मीडियम करनी है, और जब इसमें जाली बनने लगे तो गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। ठीक है, तीनों स्टेज मैंने आपको बता दी। अब घी डालते रहना है इसमें, और थोड़ा सा घी बचा लेंगे जो कि अब लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा घी डाल दिया अब इसमें, और इस मैसूर पाक को बनाने में मुझे 2.5 कप घी का, मतलब 2.5 से 3 कप घी मेरा लगा था। तो अगर आप बना रहे हैं तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बनाइएगा। मेरे घर में तो मैसूर पाक सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। आप 1 कप बेसन से बनाइए, उससे भी अच्छा खासा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैसूर पाक में जाली बनना शुरू हो गई है, इसका जो नीचे से है कलर चेंज होने लगा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और ये देखिए इसमें जाली अब बन चुकी है अच्छे से, बिल्कुल भी इसे आप दबाइएगा मत, बस ऐसे चलाते रहिए हल्के हाथों से। और ये जो कलर चेंज हुआ है ना, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे सेट करते हैं तो ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, और सेंटर में जो है, मतलब मैसूर पाक के बीच में बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें जाली बन गई है,
और अब हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इंस्टेंटली हम इसे जो है ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे ट्रे में ट्रांसफ़र कर दें तो आपको बिल्कुल भी इसे दबाना नहीं है। मम्मी को पता नहीं था तो वो उसको दबाने लगी थी, फिर मैंने उनको रोका और ये देखिए मैं बस इसको हल्के हाथ से लेवल कर रही हूँ, बिल्कुल भी इसको नीचे की तरफ प्रेस नहीं करना है। अगर आप इसे दबाएंगे तो बिल्कुल बर्फ़ी जैसा बन जाएगा और इसकी सारी जाली जो बनी होगी बीच में वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसे किसी गर्म चीज़ से ढककर रखना है, तो अभी ये जो कढ़ाई है काफ़ी गर्म थी तो मैंने इससे ढक दिया। 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद हम इसे कट करेंगे। तो आपको ट्रे के अंदर ही कट कर लेना है क्योंकि अभी ये पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसमें कट के निशान पहले ही लगा देते हैं क्योंकि फिर इसे जब हम तोड़ते हैं ना तो टेढ़ा मेढ़ा टूट जाता है, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बिखरता है, इसलिए पहले ही कट लगा देंगे तो फिर ये आराम से इसके पीसेस निकल कर आएंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, अभी तो ये बहुत ही बढ़िया से ये कट हो रहा है। और फिर इसे आपको पूरे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं इसको ठंडा होने में। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसके पीसेस कट कर लिए हैं, इस तरह से कट लगा दिया। अब इसे ढककर वापस रख देंगे पूरे 2 घंटे के लिए और आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैसूर पाक तो तैयार हो गया, मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था और अभी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए इसको किसी थाली में निकाल लेते हैं। यहाँ पर बस हल्का हल्का सा टैप करेंगे और मैसूर पाक आराम से निकल आएगा थाली में। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसकी जो है ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी आई है, बहुत बढ़िया जाली बनी है अंदर इसमें। ये ऊपर और नीचे जो है इसका सेम कलर रहता है और बीच में इसका पिंक कलर आता है, मतलब हल्का सा गोल्डन पिंक जैसा कलर आता है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसके पीसेस निकल कर आ रहे हैं, जाली भी आप देख सकते हैं बढ़िया इसमें जाली बनी है। जितना ज़्यादा घी डालते हैं ना जाली उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हलवाई लोग क्या करते हैं कि घी या डालडा को मिक्स करके घी में तब मैसूर पाक में डालते हैं तो उनकी जाली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन हमने घर में बनाया है तो हम कोई चीज़ मिक्स नहीं करेंगे, घी से ही बनाना है और आप चाहें तो डालडा से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं सारे पीसेस निकाल रही हूँ कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं सेंटर में कलर बहुत ही अच्छा आया है, जाली बहुत बढ़िया बनी है और जो सारे पीसेस हैं बहुत अच्छे से निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है और बिखर नहीं रहा है, इधर उधर इसके पीसेस नहीं टूट रहे हैं। तो देखिए इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप इसमें पहले ही कट लगा दें। यहाँ पर लीजिए ये ढेर सारा मैसूर पाक बनकर तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर पर सबको, तो मैंने इतना सारा बना लिया है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि ये कब तक चलेगा क्योंकि मुझे तो कई सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी होती हैं और घर में मीठा रहता है तो फिर दूसरा मीठा बनाने की इच्छा नहीं होती। तो चलिए कोई बात नहीं, दिवाली पर ये हो जाएगा ख़त्म या फिर हफ्ते भर में तो हो ही जाएगा, इतना मुझे पता है। थोड़ी सी मैं पिस्ता इस पर डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, आप चांदी का वर्क भी इस पर लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारा मैसूर पाक जो है दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा आया है। मेरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जो रियल में दिख रहा था वो कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।